यूक्रेन की सेना जब रूस की सीमा में घुसी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के लिए एक जाल बिछाया जिसमें यूक्रेन की सेना फंस गई है। रूस के एक शहर में हमला करना यूक्रेन को भारी पड़ गया और यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। तो क्या पुतिन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं ज़ेलेंस्की? देखिए इनसाइड स्टोरी। जानबूझकर हार रहा रूस, पुतिन के ट्रैप में ज़ेलेंस्की। आखिर ये पुतिन का कैसा वॉर प्लान है कि 900 दिन की जंग के बाद रूस एक के बाद एक रूसी इलाके हारता जा रहा है? क्या पुतिन के जंगी चक्रव्यूह में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से फंस चुकी है? रूस से जुड़े वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त जो जंग रूस और यूक्रेनी इलाके में चल रही है वो अब तक के सबसे खूनी और भीषण जंगों में से है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस के कुर्स्क में इतना बड़ा हमला हुआ है। अब सवाल उठता है कि कुर्स्क इलाके में जिस तरह से यूक्रेनी सेना एक के बाद एक इलाके जीतती जा रही है, क्या पुतिन का रूस यूक्रेन की इस बढ़त से डर गया है? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। रूस खुद चाहता है कि यूक्रेनी सेना रूस में कब्जा करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा अंदर आ जाए ताकि पलटवार करते वक्त यूक्रेनी सेना को भागने का मौका न मिले और उसके घातक हथियार बुरी तरह से तबाह किए जाएं। रूस यूक्रेन के साथ ऐसा करने भी लगा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए जो यूक्रेन से आई खबर के आधार पर बनाया गया है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से कुर्स्क हमले का जबरदस्त हमला लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दर्जन भर सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ने जबरदस्त हवाई हमला किया है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन के सैनिकों और हाईटेक हथियारों पर रूस की तरफ से 38 ड्रोन से हमले किए गए। यहां तक कि रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों में से एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेनी इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने वोरोनिश क्षेत्र में यूक्रेन पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं, जिससे यूक्रेनी सेना को घातक नुकसान हुआ है। 1000 किलोमीटर में मरेंगे 150,000। यूक्रेनी सेना ने भी माना कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में पोक्रोवस्क मोर्चे पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना के टॉप अफसरों का कहना है पिछले 24 घंटे में 52 मोर्चों पर जंग हो रही है। ये 52 मोर्चे 1000 किलोमीटर इलाके में खुले हुए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने 8 यूक्रेनी क्षेत्रों में 30 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। लेकिन यूक्रेनी सेना ने यह नहीं बताया कि उन 8 रूसी ड्रोन के हमले से क्या नुकसान हुआ है जिसे यूक्रेनी सेना तबाह नहीं कर पाई है। इधर रूस में स्पेशल फोर्स के कमांडर मेजर जनरल आप्ती अलाउदिनोव ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों की बढ़त रोक दी गई है और उन्हें चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सैनिकों ने सीमा से लगभग 26 से 28 किलोमीटर दूर गांवों में यूक्रेनी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। इधर लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लॉरिनास कासियुनस ने कहा कि रूस ने अपने बाल्टिक क्षेत्र कलिनिनग्राद से कुर्स्क तक सैनिकों को तेजी से भेजना शुरू कर दिया है। इन हालातों से साफ है कि रूस ने पहले यूक्रेन को रूसी इलाकों में काफी अंदर तक घुसने दिया और अब उस पर हमला करके चारों तरफ से घेर रहा है। Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. अब सवाल उठता है कि यूक्रेनी सेना 6 अगस्त से लगातार रूसी इलाके पर हमले कर रही है। उन हमलों से यूक्रेनी सेना को क्या फायदा हुआ है? इस वीडियो को देखिए जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की से वीडियो लिंक के जरिए युद्ध का हर अपडेट ले रहे हैं। इस वीडियो में पहली बार ज़ेलेंस्की के चेहरे पर जीत की खुशी दिख रही है। ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर इन चीफ
अलेक्जेंडर सिरस्की ने जो हाल बताया है वो हैरान करने वाला है। सिरस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 74 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेनी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि जिन 74 इलाकों पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया है वहां रूसी सेना पहले से ही रूसी नागरिकों को हटा चुकी थी। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने 40 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। И на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. अगस्त के पहले हफ्ते में रूसी सेना पर जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने हमला किया उसमें यूक्रेनी सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का जमकर इस्तेमाल किया। रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में भयंकर हवाई हमला करते हुए इन्हीं यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूसी सेना में हड़कंप मचा दिया था। 6 अगस्त के बाद 8 अगस्त को यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला रूस पर किया था। पहली बार यूक्रेन ने अपनी हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया था। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस्क एयरबेस को उड़ा दिया था। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस्क एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस्क एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हुए जबकि कई हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हुए। हैरानी की बात तो ये कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला 300 किलोमीटर दूर से किया था। दावा तो यहाँ तक किया गया कि गोदाम में रखे रूस के 700 ग्लाइड बम भी यूक्रेनी हवाई हमले में तबाह हो गए थे। 700 ग्लाइड बम तबाह होने से रूस के लिपियस्क एयरबेस में इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि पुतिन की आंखों में खून के आंसू आ गए। Ну, довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. क्या हारकर भी रूस जीत रहा है? इस दावे में दम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रूसी सेना ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। ये वीडियो फुटेज रूस के चेचन गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने 11 अगस्त को जारी किया जिसमें दावा किया गया कि रूस ने अपने कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को बुरी तरह से मारा है। दावा किया गया है यूक्रेनी सेना पर चेचन बटालियन अखमत ने रूसी सैनिकों के साथ मिलकर हमला किया है। बॉडी कैमरे से इसी तरह की फुटेज टेलीग्राम चैनलों पर प्रसारित की जा रही थी। इस फुटेज में त्रिकोण चिन्ह, एक सैन्य वाहन और यूक्रेनी वर्दी में कई लाशें दिखाई दे रही हैं। हालांकि रॉयटर्स इस वीडियो की तारीख सत्यापित नहीं कर पाया है। इधर रूसी सेना ने धमाकेदार दावा किया है। बुधवार की रात से रूस ने यूक्रेन के 117 ड्रोनों को तबाह कर डाला है। इनमें से ज्यादातर कुर्स्क, वोरोनिश और बेलगोरोड और निजनी नोवगोरोड क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन से मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेनी मिसाइलें काफी बड़ी संख्या में तबाह करने का भी दावा किया गया है। रूस के सुखोई SU-34 बमबर्षकों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले होते हुए देखे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है यूक्रेन के कुछ ड्रोनों ने रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। रूस के नेशनल गार्ड ने कहा कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर भीषण जंग चल रही है। कुल मिलाकर रूस ने दिखा दिया है कि जो यूक्रेन जीत के दावे कर रहा है असल में वो खोखली और क्षणिक खुशी है। असली विजेता हमेशा रूस ही रहेगा।